Namaskar, hello and a very warm welcome to CIET NCRT's live phone and interactive program. My name is Tanvi Khurana and in this social science program, we are going to discuss the topic, the French Revolution, and this is the third part of the same topic. अगर आपने भाग एक या भाग दो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच इट ऑन आर यूट्यूब चैनल NCRT ऑफिशियल. एट दिस मोमेंट यू वॉचिंग अस ऑन ई विद्या चैनल नंबर 9. ऑल द 9th क्लास चिल्ड्रन यू आर हियर विद अस एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज़ आप हमें फ़ोन कर सकते हैं. नंबर है 8800440559. अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class9@cit.nic.in. हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, आइए आपका परिचय उनसे करवाना चाहेंगे. वी हैव विद अस मिस्टर सुशील कुमार. सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू. जी मैम, थैंक यू. थैंक यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑन द पीएफटी विद द चैट. Good afternoon to you too as well. Sir is a history, PGT in history from KV Asansol, West Bengal. And we are going to discuss a lot regarding this topic, the French Revolution. But before we begin the part third of the French Revolution, hum sir se request karenge ki sir aapne jo part 1 mein aur part 2 mein karwaya tha, usse briefly ek bar recap hamare viewers ko dijiyega, please. Ji ma'am, jarur. Kyunki फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है. सबसे पहले एक नए सत्र में, एक नए सेशन में, एक नए क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है. बच्चों, अगर आप पीएम विद्या चैनल से लगातार जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि आपके नए सेशन में आने से पहले, आपके नए क्लास में आने से पहले ही हमने इस चैप्टर की शुरुआत मार्च में कर दी थी और इसके दो सेशंस हमने प्रीवियस टू सेशंस में हमने इसके दो सेशंस लिए थे. कई सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा की थी, डिस्कशन किया था, कई सारे पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश की. आइए आज सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कशन किया था. हमने शुरुआत की थी 14 जुलाई 1789 के कॉन्टेम्पोररी इवेंट से, जिसमें बास्टिल किले का पतन हुआ और वहां से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत. इसके कारण इस बात की आवश्यकता अत्यधिक महसूस होने लगी कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां फ्रांस में थीं जिसके कारण वहां के लोग नाराज हुए, बास्टिल के किले का पतन हुआ. और इसको समझने के लिए हमने फ्रांस के 18 सेंचुरी से पहले तक फ्रांसीसी समाज, फ्रांसीसी राजनीतिक अवस्था एंड फ्रांसीसी इकोनॉमिकल कंडीशंस को हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया. फिर हमने देखा कि आखिर ऐसी कौन सी कॉन्टेम्पोररी इवेंट थी और ये इवेंट क्यों घटी जो क्रांति का कारण बनी, इमीडिएट रीजन बनी. फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत कैसे हुई और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन क्या था. उसके बाद हम लोगों ने इस पॉइंट पे चर्चा किया जो लास्ट पॉइंट था, जेकोबिन्स क्लब की स्थापना और मोनार्की की समाप्ति. इस पॉइंट पे हमने कुछ, इस टॉपिक पे हमने कुछ पॉइंट पे चर्चा की थी और यहीं से मोटे तौर पे हम नए सेशन की शुरुआत करें. सो लेट्स कंटिन्यू. बच्चों, जैसा कि हमने बताया, हमने ऑलरेडी चर्चा किया, 18 सेंचुरी तक आते आते फ्रांस की, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक दशा हो, फ्रांसीसी समाज पूरी तरह से त्रस्त हो चुका था. वहां के लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, जिसके कारण लोगों को सड़क पे आने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसका परिणाम एक नई राजनीतिक व्यवस्था के रूप में निकला जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नाम से जाना जाता है. इस बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की थी. फिर हमने ये भी देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो एक नई राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अडॉप्ट की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, वो भी लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सका और एक नए एरा की शुरुआत भी, जिसे रिपब्लिकन एरा के रूप में भी देखा जाता है फ्रांसीसी इतिहास में, और इसका नेतृत्व जेकोबिन्स क्लब के द्वारा किया गया. आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे. जैसा कि बताया हमने कि ये जेकोबिन क्लब क्या थी, कौन थे इसके मेंबर, और फिर
इसे भी समाप्त करने का क्या कारण था? आखिर इनके हाथ में जो सत्ता आई उस सत्ता का भी अंत कैसे हुआ? डायरेक्टरी क्या थी और इस डायरेक्टरी में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या रोल था और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ? ये सभी पॉइंट्स आज हम फाइनल टॉपिक में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने बताया, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। 1792 में एक्चुअली क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी थी, राजा अभी भी पावर पे था, हालांकि राजा के पावर्स को नेशनल असेंबली रेगुलेट करने का काम था। और इस नेशनल असेंबली ने मिलकर डिसीजन लिया कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या होगा, लड़ाई लड़ी गई। लेकिन इस लड़ाई ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया। फ्रांस के लोगों को बहुत भयंकर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 21 सितंबर 1792 को फाइनली फ्रांस के लोगों ने मोनार्की को पूरी तरह से अंत करके फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन बनाने का निश्चय किया। आखिर ये प्रोसेस कैसे कंडक्ट हुआ, इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसा कि बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बनी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बावजूद जो पॉलिटिकल राइट्स है या वोटिंग राइट्स है वो केवल रिच क्लास के लोगों को मिला, पुअरर सेक्शंस के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन रिपब्लिकन नेशन डिक्लेयर करने के बाद 21 ईयर्स से अबव सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया। बच्चों, यहां ध्यान रखिएगा, अभी भी रिपब्लिकन एरा आने के बाद भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया। बहुत सारे क्लब इस समय एस्टेब्लिश, पॉलिटिकल क्लब इस समय एस्टेब्लिश किए गए जो सरकार की नीतियों पर डिस्कशन करते थे और उस पे क्या काम होना चाहिए, उस पे कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, ऑन फॉर्म ऑफ एक्शंस को भी एनालिसिस करने का काम करते। ऐसे कई सारे क्लबों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल क्लब के रूप में उभर कर सामने आया जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब का नाम कैसे पड़ा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक पुराना कॉन्वेंट था संत जेकोब्स के नाम पे। तो सेंट जेकोब्स के जितने भी फॉलोवर्स थे वही फॉलोवर्स जेकोबिन्स के नाम से जाने गए। एंड व्हाट वाज इंटरेस्टिंग, बच्चों, जेकोबिन्स क्लब के ज्यादातर जो मेंबर थे वो पुअरर सेक्शन से बिलोंग करते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स हु कैरीड द रिवॉल्यूशन फर्दर। यानी रिपब्लिकन स्टेट को आगे बढ़ाने का जो काम आप कह सकते हैं जेकोबिन्स क्लब ने किया, उसके ज्यादातर जो मेंबर्स थे वो पुअरर सेक्शन से बिलोंग करते थे, उन्होंने ही क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। जेकोबिन क्लब के मेंबर्स ने अपना नेता के रूप में मैक्सिमिलियन रोब्सपियर को चुना। और एक खास बात थी जेकोबिन क्लब की कि उन्होंने अपनी वेशभूषा को भी जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी थी उससे अलग चुनना पसंद किया, ताकि वो दूसरे लोगों से अपने आप को बिल्कुल अलग रूप में दिखा सके, स्पेशली जो फैशनेबल नॉवेल्स थे उनसे अपने आप को डिस्टिंग्विश करें, उसके लिए उन्होंने लंबी लंबी धारी वाले ट्राउजर्स पहनने शुरू किए। इसके अलावा जितने भी जेकोबिन क्लब के मेंबर थे वो लाल कलर की कैप पहनते थे और इस लाल कैप का मतलब, रेड कैप का मतलब लिबर्टी होता था। और इसके साथ साथ जेकोबिन क्लब्स के मेंबर्स अपने आप को सेंस क्लोथ्स भी कहते थे, यानी जेकोबिन क्लब्स के मेंबर को सेंस क्लोथ्स भी कहा जाता था। सो जैसे कि बताया, जो वार का डिसीजन हुआ, वार के बाद जो स्थितियां खराब हुई, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हुई, जिसके कारण जेकोबिन क्लब्स के लोगों ने सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली, उन्होंने एक मॉब बनाया और ये मॉब 1792 को ट्यूरिल्स के किंग पैलेस में उन्होंने अटैक किया
और जो राज परिवार के लोग थे उनको क्या हुआ, सभी को जेल में डाल दिया और यहीं से दोबारा चुनाव कराने का निश्चय लिया गया और 21 ईयर से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार देने के साथ साथ फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया। आइए अब देखते हैं कि पावर मिलने के बाद जेकोबिन क्लब या इसके लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या क्या कदम उठाए। पावर में आने के बाद सबसे पहला काम रॉबेस्पियर का ये रहा कि उन्होंने वस्तुओं की कीमत और मजदूरी की दर को फिक्स कर दिया। भोजन की बात करें, मीट और ब्रेड जैसे जो एसेंशियल गुड्स थे उनको राशन कर दिया गया, यानी उनकी कीमतों को भी नियंत्रण के दायरे में ला दिया गया। इसके अलावा जो अगला कदम उठाया गया, जेकोबिन्स गवर्नमेंट ने, रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने किसानों को मजबूर किया कि वो शहरों में आके अपने अनाज को बेचे और किस कीमत पे बेचे, सरकार की तय की गई कीमतों के आधार पे ही अपने ग्रेन्स को वो शहरों में बेचना शुरू करें। इसके अलावा अगला कदम क्या उठाया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्रांस के जितने भी सिटीजन हैं वो एक ही तरह का रोटी खाएंगे, पूरी जो गेहूं होता है गेहूं के बने हुए एक लोफ होगा जिसको उन्होंने इक्वालिटी ब्रेड का नाम दिया और ये निश्चित किया जाता था कि फ्रांस के सभी लोग वो एक ही तरह का भोजन जो इक्वालिटी ब्रेड है उसका भी सेवन कर सकते। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस में लाया गया, जितने भी फ्रांस के लोग हैं चाहे पुरुष हो और स्त्री हो उन्हें सिटोयन कहा गया। बच्चों ध्यान रखिए, इसी सिटोयन शब्द से सिटीजन शब्द का जन्म हुआ। इसके अलावा ये माना गया चर्च उनके प्रोग्रेस के बहुत बड़े बाधा है, इसीलिए बहुत सारे चर्चेस को शट डाउन भी किया गया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम में। सो बच्चों आपको लग रहा होगा कि जो रॉबेस्पियर के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं बहुत ही क्रांतिकारी, निश्चित रूप से बच्चों बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए गए, लेकिन कहते हैं कि हर एक अच्छाई के पीछे कई सारी बुराइयां भी, अच्छाइयों के साथ साथ उनमें कई सारी बुराइयां भी छुपी होती है। रॉबेस्पियर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं रॉबेस्पियर के दो वर्षों का जो समय काल रहा फ्रांसीसी इतिहास में, इसे द रिग्न ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, आतंक के युग के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों जैसे ही न्यू कॉन्वेंशन एस्टेब्लिश हुआ, नया रिपब्लिकन स्टेट बनने के बाद जो नया कॉन्वेंशन बना, इस नया कॉन्वेंशन ने आते के साथ ही, पावर में आने के साथ ही 1793 में ही जो एम्परर हैं लुई 16 उनको पब्लिकली एक्सिक्यूट किया और मौत के घाट उतार दिया गया। यही हाल राज परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी किया गया, क्वीन मैरी अंतोनेट को भी फाइनली एक्सिक्यूट कर दिया गया। देखिए रॉबेस्पियर यहीं पर जाके नहीं रुके, उन्होंने ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ सेवेयर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, उन्होंने पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया एंड एवरीवन हु वाज गोइंग टू बी अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और वन हु इज गोइंग टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ रॉबेस्पियर विल बी पब्लिकली एक्सिक्यूटेड। और ये एक्सक्यूशन not only for the people of nobles or the clergy, even all the members of the opposition parties were also clearly and openly gloating. अब बच्चे कहेंगे ईश्वर ये एक नया शब्द आया gloating, ये gloating क्या है? बच्चों एक इस टाइम में एक इंजीनियर थे डॉक्टर gloating के नाम से, उन्होंने लोगों को मारने के लिए एक नई डिवाइस बनाई थी जिसमें लोगों का गर्दन रख के एक तलवार सा एक सोर्ड जैसा सिस्टम होता था जो उनके गर्दन पे चला दिया जाता, ऐसे डिवाइस को ग्लूटीन कहा जाता।
सो मैक्समिलन रॉब्सपियर के टाइम पे जितने भी आलोचक थे, जो भी इनके मत से इनके डिसीजन के की आलोचना करते थे, उनको ओपनली ग्लोटिन कर दिया जाता। और ये स्थिति केवल नोबल्स की, क्लर्जी की या अपोजिशन पार्टी की मेंबर्स के साथ नहीं हुई, इवन उनके पार्टी के मेंबर्स को भी ग्लोटिन किया जाने लगा। बच्चों देखिए, अगर उनके पार्टी के ही कुछ नेता अगर उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन कर लिया जाता था और उनको भी मार दिया जाता। दो सालों तक मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर का टाइम रहा और इस पीरियड को 1793 to 1794 वैसा आपको भोगना पड़ता है, आपके कर्मों की सजा आपको मिलती है। आखिर मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर से उनके पार्टी के ज्यादातर लोग भी नाराज हो चुके थे। And finally, for his course, own course of actions, Robespierre was convicted by a court in July 1794, and he was also being guillotined, which was introduced by himself only. जिस guillotine machine का उन्होंने introduce किया था अपने विरोधियों को मारने के लिए, finally उसी guillotine machine के द्वारा उनका भी guillotine कर दिया गया। और इस तरीके से जेकोबिन गवर्नमेंट की समाप्ति हो गई। और जेकोबिन गवर्नमेंट की समाप्ति के बाद अब जो राजनीतिक शक्ति जो आती है, जो सत्ता का केंद्र होता है, उस पे अधिकार किनका हो जाता है? जो एक मिडिल क्लास, जो अमीर वेल्दियर जो मिडिल क्लास होता है, उनके हाथ में सारी सत्ता आ गई। और ये वेल्दियर मिडिल क्लास जैसे ही सत्ता अपने हाथों में लेता है, वो दो काम करता है। सबसे पहला, वो दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाता है और साथ ही साथ एक 5-member डायरेक्टरी बनाता है। और सबसे पहला काम वो क्या करते हैं कि जो वोटिंग अधिकार जो पुअर्स को दे दिए गए थे, वो वोटिंग अधिकार दोबारा छीन लिया जाता है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 5-member डायरेक्टरी एंड 2 elected काउंसिल्स वाज टू स्टॉप द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। जो हमने देखा कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट में मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के हाथ में ही सारी शक्तियां आ गई थी, तो सबसे पहला मकसद इनके डायरेक्टरी बनाने का, 5 members डायरेक्टरी बनाने का और 2 elected लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का सबसे पहला मकसद ये था कि पुनः किसी एक आदमी के हाथ में सारी राजनीतिक शक्तियां ना आ गए। लेकिन बच्चों, स्थिति अनुकूल ना होने की जगह पे प्रतिकूल हो गई। जो डायरेक्टरी स्टेब्लिश की गई थी, वो डायरेक्टरी पॉलिटिकली इनस्टेबल रही और कोई भी डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हो पाई। इसका भी हम कारण समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कारण ये था कि जो 5 member जो थे डायरेक्टरी के, वो किसी भी डिसीजन को लेकर आपस में ही क्लेश की स्थिति में बने रहे। इनके बीच में क्लेश इतनी स्थिति होती थी कि कोई भी एक डिसीजन होता था, किसी एक ने कोई प्रपोजल दिया तो रेस्ट मेंबर सारे उसके अगेंस्ट में चले जाते। ये क्लेश इतना तेजी से बढ़ा, जिसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी तेजी से बढ़ी, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट नाम के मिलिट्री डिक्टेटर को उदय का रास्ता मिला, को इमर्ज करने का मौका मिला। नेपोलियन बोनापार्ट जो खुद इस डायरेक्टरी का एक मेंबर था, जैसे ही उसने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखा डायरेक्टरी में, उसने डायरेक्टरी को सीज कर दिया और डायरेक्टरी के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए। सो ऑल्दो देयर वाज एन एंड ऑफ द डायरेक्टरी एंड वंस अगेन रिस्टोर्ड द डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की इन फ्रांस। बच्चों, डायरेक्टरी के अंत के बाद राजनीतिक हालात फिर पुराने जैसे हो गए, फिर से वहां पे तानाशाह आ गई, फिर से वहां राजतंत्र एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चों, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने मोनार्की को रिस्टेब्लिश करने के बावजूद, नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए। वहां उसने एक नया कानून बनाया जिसके कारण पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना या एकीकरण की भावना बहुत तेजी से बढ़ी, घटी नहीं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपोलियन ने बनाया, इसे नेपोलियनिक कोड
या सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जाना जाता है। बच्चों क्या क्या मेन प्रोविजंस थे सिविल कोड ऑफ 1804 के, समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले इसमें यूनिफिकेशन पे जोर दिया गया, पूरे जो एक कॉन्फेडरेशन बनाया जाता था, पॉलिटिकल कॉन्फेडरेशन कई सारे प्रोविंसेस को मिलाकर, उस प्रोविंसेस की सभी प्रोविंसेस की कॉन्फेडरेशन की जो है यूनिफाइंग कह सकते हैं आप, एक कॉमन करेंसी होती थी, कॉमन वेट, कॉमन मेजरमेंट सिस्टम होता था, जिसके कारण एकीकरण की भावना क्या हुआ, तेजी से बढ़ना शुरू। जी सर हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो क्या आप इसे रैप अप कर देंगे प्लीज? यस मैम, एक्चुअली दिस इज द लास्ट स्लाइड एक्चुअली। ओके सो नाउ बच्चों, टुडे इज द लास्ट सेशन एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बच्चों आपने पूरा इतिहास पढ़ा, तीन सेशन हमने लिए, आपने देखा कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, लेकिन जिस क्रांति की शुरुआत हुई उसका प्रभाव कभी भी परमानेंट नहीं रहा, लगातार पॉलिटिकल चेंजेस होते रहे। पहले देखा आपने मोनार्की थी, मोनार्की को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिकन स्टेट हुआ, रिपब्लिकन स्टेट से डायरेक्टरी आई, एंड डायरेक्टरी के बाद दोबारा मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन इसके बावजूद फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व इतिहास में दुनिया के लोगों के सामने कई सारे ऐसे अचीवमेंट रखे जो आज भी माइलस्टोन माना जाता है, जैसे द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम फ्रांसीसी क्रांति की देन मानी जाती है, कानून के सामने सभी लोग बराबर हों ये भावना भी फ्रांसीसी क्रांति से लोगों के सामने आई, फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग्स है वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई, आइडिया ऑफ सिटोयन। बच्चों आप आज सिटीजन शब्द के बारे में पढ़ते हैं, ये सिटीजन शब्द कहां से आया, सिटोयन शब्द से आया है जो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पैट्री, जो मदरलैंड या फादरलैंड का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो भी फ्रांसीसी क्रांति से उभर के सामने आता है। और स्लेवरी का अंत, जो कह सकते हैं आप सामाजिक और आर्थिक दिशा में बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, ये भी फ्रांसीसी क्रांति की देन है। एंड एट लास्ट बच्चों एक चीज कहूंगा कि फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के इतिहास के सामने रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके आउटकम्स को लेकर एक बहुत बड़ा डिबेट होता है, और वो डिबेट ये है कि फ्रांसीसी क्रांति सही मायने में कई जगहों पे असफल भी रहा, जैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया लेकिन उनके राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया गया और गरीबों को भी राजनीतिक अधिकार। जी सर, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जैसे कि आपने इसे तीन पार्ट्स में समझाया है, तो मुझे लगता है अगर बच्चे ये तीनों पार्ट्स कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ आएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। सर आपका बेहद धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट थ्री को इतना डिटेल में समझाने के लिए, बेहद धन्यवाद सर। जी मैडम धन्यवाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों सेशंस को पढ़ने के बाद, देखने के बाद बच्चों के सारे डाउट्स। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का भी, आपने ये कार्यक्रम देखा और जैसा कि सर ने कहा कि आपको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप तीनों पार्ट्स को कंटिन्यूएशन में देखेंगे। ये तीनों ही पार्ट्स आपको NCERT ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद मिलेंगे। और जाने से पहले हम आपको एक सूचना ज़रूर देना चाहेंगे जो कि है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अस्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द G20 लीडर्स समिट for the first time in the country this year, that is 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say the world is one family. Aur isi ke sath hum aapko ye bhi batana chahenge jo NCERT ki kitabe hain naye academic session ke liye wo pure Bharat mein uplabdh hain। आप चाहें तो उन्हें डायरेक्टली सेल्स काउंटर से खरीद सकते हैं जो कि सुबह 9:30 से 6 बजे तक खुला रहेगा। मौजूद है नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और कोलकाता में। और अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो दीक्षा ई पाठशाला या फिर NCERT की वेबसाइट या फिर उनके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और यही बुक्स का अगर आप ऑर्डर वेबसाइट से देना चाहते हैं तो ncertbooks.ncert.gov.in हमारा वेबसाइट है, आप अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, आपके घर तक किताबें पहुंच जाएंगी, आपको कोई डिलीवरी फीस नहीं देनी है। और भी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो ncert.nic.in हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच एक बार फिर से, अपना ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर में आने वाली है हमारी एक बेहद खास सीरीज जो कि है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा एनसीईआरटी ई विद्या चैनल्स पर, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, नमस्कार।